भारत की तरह चीन की संस्कृति भी बहुत ही पुरानी है, जिसका उल्लेख महाभारत, मनुस्मृति, ललित विस्तार आदि ग्रंथों में मिलता है। पड़ोसी मुल्क होने के बावजूद हमारे चीन के साथ रिश्ते काफी मधुर तो नहीं रहे, लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापार का रिश्ता काफी मजबूत है। पड़ोसी मुल्क होने के बावजूद भारत और चीन में कम ही समानता देखने को मिलती है। चीन में ऐसे कई अजीबोगरीब काम होते हैं जिनके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे चीन के बारे में कुछ सबसे अजीब बातें जो इसे दुनिया से सबसे अलग बनाती हैं, यानी वो अजीब चीजें जो सिर्फ चीन में ही होती हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल हिंदी काउंटडाउन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। अगर हम आपसे पूछें कि पुलिस आमतौर पर क्राइम को रोकने और सुलझाने के लिए किस जानवर का उपयोग करती हैं, तो बिना समय लगाए आप कहेंगे कुत्ता। लेकिन चीन के कुछ जगहों पर पुलिस अब कुत्तों की जगह गीज यानी कि कलहंस पक्षी का उपयोग कर रही है। उनके अनुसार गीज बेहद सतर्क होते हैं और इनके सुनने की पावर भी बहुत तेज होती है। साथ ही ये पक्षी तेज, उत्सुक और बेहद बहादुर होते हैं। अजनबी को देखते ही ये शोर मचाते हुए अपने बड़े बड़े पंख फैलाकर हमला कर देते हैं। चीनी पुलिस के अनुसार इन्होंने अपराध से निपटने में खुद को कुत्तों से बेहतर साबित कर दिया है। यहां तक कि पुलिस अब लोगों को कुत्तों की जगह इन्हीं को पालने की सलाह दे रही है। पुलिस कहती है कि एक घर में आमतौर पर एक कुत्ता रहता है। घुसपैठिया कुत्ते को मारने के लिए कुछ नशीला खाने का पदार्थ फेंक सकता है, जबकि गीज आमतौर पर समूहों में रहते हैं और रात में उनकी आंखों की रोशनी कम होती है, जिससे घुसपैठियों के लिए उन्हें जहर देना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने अब तक पानी की बोतल बिकते हुए देखी होगी, देखा क्या, खरीदा भी होगा और पिया भी होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हवा भी बिक सकती है? जी हाँ, चीन में ऐसा ही कुछ हो रहा है। विश्व के मुख्य वायु प्रदूषण का कारण चीन है। आप अक्सर यहाँ लोगों को मास्क पहनकर घूमते हुए देख सकते हैं। बीजिंग में एक दिन सांस लेने का हेल्थ पर इतना खराब असर पड़ता है जितना कि एक पैकेट सिगरेट पीने से होता है। ये प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि यहाँ पर लोगों को राहत देने के लिए शुद्ध हवा का कैन बेचा जाता है। ये फ्रेश एयर कैन 5 युआन प्रति केन यानी कि लगभग 50 रुपए में बेचा जाता है। इतना ही नहीं, इन फ्रेश एयर कैन में अलग अलग फ्लेवर भी दिए जा रहे हैं, जैसे तिब्बत की असली हवा, दूसरा किस्म है क्रांतिकारी यहायान और तीसरी है पोस्ट इंडस्ट्रियल ताइवान। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 80 लाख कैन केवल 10 दिन में ही बिक गए थे। वाह रे चीन, तू तो कुछ भी बेच सकता है भाई। आपको इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। पिछले एक दशक में चीन का आर्थिक विकास अमेरिका से 7 गुना ज्यादा हुआ है। अमेरिका ने 100 सालों में जितना सीमेंट का इस्तेमाल किया, उससे ज्यादा चीन ने सिर्फ 3 साल में 2011 से 2013 के बीच ही कर दिया। चीन ने इन 3 सालों में 6,615 मिलियन टन सीमेंट का इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ रोजाना नए नए और बड़े बड़े निर्माण कार्य चलते ही रहते हैं और अमूमन इन निर्माण कार्यों के बीच बाधा भी आती है, जिसे हमारे देश में सरकार आसानी से निपट लेती है, चाहे बल से या धन से। लेकिन पूरे चीन में ऐसा नहीं है। चीन में ऐसे बहुत से जिद्दी घर मालिक हैं जिन्होंने अपना घर छोड़ने या बेचने से इनकार कर दिया, जिसके चलते उन्हें और सरकार दोनों को कठिन सामना करना पड़ता है। ऐसे में सरकार सिर्फ उनका घर छोड़कर उनके इर्द गिर्द निर्माण कार्य पूरा कर देती है, जिससे उनकी बिजली पानी की सेवा बाधित हो जाती है। लेकिन फिर भी आप चीन में ऐसी कई जगह देख सकते हैं जहां ऐसे जिद्दी घर मालिक रहते हैं जिन्होंने अपना घर सरकार या कंपनियों को बेचने से इनकार कर दिया, जैसे हाईवे के बीच में चट्टान की तरह खड़ा ये घर। ऐसा नजारा आपको सिर्फ चीन में ही देखने को मिलेगा, है ना मजेदार। अगर आपके घर में कॉकरोच निकल जाए तो आप जरूर उसे मारने का उपाय सोचोगे। कॉकरोच आपको भले ही पसंद ना हो या फिर आप उससे डरते हो, लेकिन चीन के लोगों के लिए कमाई का जरिया है। चीन में इन्हीं कॉकरोचों का पालन करके करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने,
चीन में दवा कंपनियों द्वारा इन कॉकरोचों को बड़े पैमाने पर पैदा किया जाने लगा है। एक दवा कंपनी तो हर साल 600 करोड़ कॉकरोच का पालन करती है, लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? दरअसल जब कॉकरोच व्यस्क होते हैं उन्हें कुचल दिया जाता है और इसको शरबत की तरह चीन के परंपरागत दवाई के रूप में पिया जाता है। इसका इस्तेमाल दस्त, उल्टी, पेट के अल्सर, सांस की परेशानी के इलाज में किया जाता है। इसके अलावा कॉकरोच दिल और दांत से संबंधित बीमारियों को भी दूर करते हैं। इनका इस्तेमाल टूथपेस्ट बनाने के लिए भी किया जाता है। क्या आप भी इसे इस्तेमाल करना चाहेंगे? और हाँ, अगर किसी काम के सिलसिले में चीन का चक्कर लगे तो अपना टूथपेस्ट साथ ले जाना न भूलना। आपने अलीबाबा ग्रुप का नाम तो जरूर सुना होगा। यदि नहीं तो हम आपको बता दें कि जैक मा द्वारा स्थापित अलीबाबा ग्रुप न सिर्फ चीन बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स बाजार है। जैसे यूसी न्यूज और यूसी वेब अलीबाबा ग्रुप की है, वैसे ही एक चर्चित वेबसाइट taobao.com भी है। अलीबाबा के अधीन आने वाली ताओबाओ को आप दुनिया के सबसे बड़ा ई कॉमर्स पोर्टल कह सकते हैं। इसमें करीब 50 करोड़ ग्राहक पंजीकृत है। ताओबाओ ने अपनी एक नई सुविधा के तहत बॉयफ्रेंड भी किराए से देने शुरू कर दिए हैं। दरअसल नए साल जैसे अन्य त्योहारों के दौरान आपको अकेलेपन से बचाने के लिए ये सुविधा शुरू की गई है। जैसे बॉयफ्रेंड के साथ अब गर्लफ्रेंड भी किराए पर मिलना शुरू हो गई है। आपको जानकर हैरानी होगी, मगर आप अपनी जरूरत के हिसाब से किराए पर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ले सकते हैं। इसके लिए अलग अलग पैकेज निर्धारित किए गए हैं। मसलन यदि आपको दूसरे शहर में रह रहे अपने रिश्तेदारों से मिलने जाने के लिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की ज़रूरत हो या अपनी परेशानियां साझा करने के लिए, आप अपनी पसंद के मुताबिक इन्हें किराए के लिए बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का चुनाव कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले समय में आप अपना पूरा परिवार ही ऑनलाइन खरीद सकें, लेकिन मुझे यकीन है कि भारत में ये बिजनेस मॉडल काम नहीं कर पाएगा। आपको क्या लगता है? चीन इस समय कई बड़े शहरों के निर्माण में लगा है ताकि बिल्डर्स को बिजी रखा जा सके और चीन की ग्रोथ हो सके। जैसा कि हमने बताया था कि अमेरिका ने 100 सालों में जितना सीमेंट का इस्तेमाल किया है उससे ज्यादा चीन ने सिर्फ 3 साल 2011 से 2013 के बीच ही कर दिया। इसके नतीजा ये हुआ कि चीन में अब भूतिया शहर बड़ी तादाद में बढ़ गए हैं। यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, सड़कें, बिल्डिंग्स, मॉल्स, लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तो वो है इंसान। इन शहरों में दूर दूर तक सिर्फ आपको सन्नाटा ही नजर आएगा। इन शहरों को इसी कारण से घोस्ट सिटी यानी कि भूतिया शहर कहा जाता है। लेकिन अब चीनी सरकार इन शहरों में लोगों को बसाने का खास इंतजाम कर रही है और इनके दाम भी पहले से कम किए जा रहे हैं ताकि लोग रहने के लिए यहाँ आ सकें। उम्मीद है आने वाले कुछ सालों में इन शहरों से घोस्ट सिटीज होने का टैग हट जाएगा। चीन में अगस्त 2010 में 60 मील लंबा ट्रैफिक जाम लगा था। ये ट्रैफिक जाम 10 दिनों तक रहा और 11वें दिन जाकर साफ हो पाया था। बीजिंग से लेकर मंगोलिया तक जाम लगा हुआ था। यहाँ अक्सर ऐसे ही लंबे लंबे जाम लगते हैं जिससे शायद आप वक्त पर काम पर ना पहुंच पाए। लेकिन इस मामले में भी चीन के लोगों ने कमाई का जरिया ढूंढ लिया। दरअसल आप ट्रैफिक में फंसने पर किराए पर दो लोगों को बुला सकते हैं। इनमें से एक आपको बाइक पर बैठाकर जाम से निकालेगा, दूसरा आपकी गाड़ी में आपकी जगह बैठकर जाम खत्म होने का इंतजार करेगा और बाद में आपकी कार आपके घर तक पहुंचा देगा। चीन के बारे में कहावत मशहूर है कि यहाँ टेबल और कुर्सी को छोड़कर हर चार पैर वाली चीज खाई जाती है। चाइना में उदबिलाव, चूहे और लोमड़ी के मांस को मटन बताकर लोगों को बेच दिया जाता है। लोग उदबिलाव, चूहे और लोमड़ी का मांस पहचान ना पाए, इसके लिए इनके मांस में जिलेटिन, नाइट्रेट और लाल रंग मिलाकर बेच दिया जाता है। यहाँ बाजार में आपको कुत्ते, सांप, ऑक्टोपस, कीड़े, मगरमच्छ से लेकर शार्क तक का मांस बिकता नजर आ जाएगा। चीनी लोग तो ऐसा ऐसा खाना खाते हैं कि आप देख कर उल्टी कर दोगे। जब खान पान की बात हो रही है तो हम आपको बता दें कि वैसे तो हर देश का खान पान अलग होता है, लेकिन चीन वालों ने तो हद ही कर दी। यहाँ पर वर्जिन लड़कों के यूरिन में उबले अंडे खाए जाते हैं। ये परंपरा हजारों साल पुरानी है। इसके लिए लोकल स्कूल से यूरिन इकट्ठा किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा खाना खाने से कमर, पैर और जोड़ों के दर्द नहीं होते, साथ ही इंसान दिन भर एनर्जेटिक महसूस करता है। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक बिकनी पहने हॉट बेब्स को बीच पर पानी में खेलते हुए आपने देखा ही होगा। हॉट बिकिनी में लड़कियों द्वारा ऐसा अंग प्रदर्शन भले ही दुनिया के तमाम देशों में साधारण बात हो सकती है,
लेकिन पूरी दुनिया से अलग अब चीन की महिलाएं अपने स्किन कलर को लेकर इस कदर पागल हैं कि वो अपने चेहरे पर सूरज की एक किरण तक नहीं पड़ने देना चाहती। इसलिए बीच पर होने पर वो एक खास तरह का स्ट्रेचेबल फेस मास्क पहनती है जिसमें केवल उनकी आंखें, नाक और मुंह दिखाई देते हैं। इन्हें फेसकिनी कहा जाता है। देखने में तो ये बहुत बार अजीब से दिखते हैं। जहां पश्चिमी देशों में लोग धूप निकलने पर खास तौर पर बाहर जाते हैं जिससे कि उनके शरीर को एक खास रंग मिल सके, वहीं यहां पूर्व में चीन की महिलाएं धूप से बचने का हर संभव प्रयास करती नजर आती हैं। 1949 से पहले यहां करीब 5 टाइम जोन को फॉलो किया जाता था, क्योंकि ये देश इतना बड़ा है कि एक टाइम जोन से इनका काम ही नहीं चलता था। पर कम्युनिस्ट सरकार ने आते ही पूरे देश को एक टाइम जोन से जोड़ दिया ताकि पूरे देश में एक तरह से काम हो सके। पर इस वजह से कई इलाकों को भारी दिक्कत झेलनी पड़ती है। कई जगहों पर निर्धारित समय यानी सुबह के 10 बजे तक सूरज ही नहीं निकलता। इस वजह से इन राज्यों ने अपने स्तर पर कुछ समय निर्धारित कर लिया है। क्या आप भी ऐसी कोई अजीब चीज चीन के बारे में जानते हैं जो हमने इस वीडियो में मिस कर दी है, तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए। और साथ में ये भी जरूर बताइए कि इनमें से चीन की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा विचित्र लगी। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही दिलचस्प वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताना। जिस विषय के बारे में सबसे ज्यादा कमेंट मिलेंगे अगली वीडियो उसी पर आएगी। जय हिंद।